आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस में आर्यवीर महासम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक दिवसीय दौरा। जी हां, आपको बता दें, 3 दिवसीय आर्यवीर महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए कहा कि अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त एवं भय मुक्त वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कानून का राज स्थापित करने तथा संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने हेतु प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास करना है, जिस हेतु राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के आधार पर बिना भेदभाव के सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर अत्यंत संवेदनशील है। इस अवसर पर स्वामी रामदेव जी चेयरमैन, MDH राजीव गुलाटी, पत्नी ज्योति गुलाटी, पूर्व मंत्री एवं सांसद तथा संरक्षक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश श्री सतपाल सिंह, गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय कुमार गंगवार, पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी, विधायक मथुरा श्री नागेश्वर चौधरी, आर्यवीर दल संरक्षक उत्तर प्रदेश श्री ओम प्रकाश, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री ज्ञानेंद्र राम, कार्यक्रम उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र भाटिया, आचार्य स्वदेश पंकज, नगर विधायक श्री रितेश कुमार गुप्ता, महापौर श्री विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, हरि सिंह ढिल्लो, गोपाल अंजान, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह एवं श्री सत्यपाल सिंह, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन तथा भारी संख्या में आर्यवीर दल एवं वीरांगनाएं उपस्थित रहीं। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। लेकिन मैंने आर्य समाज के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले और 1-2 करोड़ नहीं, आर्य समाज के लिए मुझे लगता है अपने पूरे जीवन काल में महाशय जी ने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया होगा। ऐसे दान भी नहीं कर सकता जब तक हमारे दर में खून बाकी है, तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन के आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने त्याग के बल पर, और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को भूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घाटित होना चाहिए। ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। उसे लोग कहते हैं जी इस्लाम, इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश है पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश है। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबिल पर हाथ रख करके कसम खाता। तो बोले हम कहां है, मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़ी कम पड़ गए हो देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेगी बात भी कहूंगा। हम करुण भूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में
खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थी उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने शुद्धि के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्धि के अभियान के विरोधी कुछ विद्रोहियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी सर्वानंद जी ने शुद्धि के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्धि का ये यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे ज्ञापन नारे समाज बस्ती ने दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं व्यक्ति के आदर्शों पर कम, और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से कम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यह तभी विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है जो सपना कवि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी सर्वानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था, वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। तब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने करकमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरोद्धार का कार्यक्रम होता है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संगनाथ वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान मिलाकर के 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है, ये सपना स्वामी सर्वानंद जी का सपना साकार होता है। जब काशी विश्वनाथ
धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए, संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे कि सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी बहुत सी ध्यान सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के बोधदार हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंच प्रण की प्रेरणा दी थी। उस पंच प्रण में एक विरासत के सम्मान का भी है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गुलामी का कोई भी चिन्ह न है, लेकिन विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, ये भी पंच प्रण के अंदर आता है। और स्वामी जी जब आयुर्वेद की दवाओं को और उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रस्तुत करके विदेशी कंपनियों को चुनौती देते हैं, तो यह भी आत्मगौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण हम सबके सामने होता है। भाइयों बहनों, यही स्थिति आज यहाँ पर की जा रही है। आप सब देख रहे होंगे वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव के। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं चला होता, विधवा विवाह, बाल विवाह को समाप्त करके और विधवा विवाह की अनुमति हिंदू समाज में नहीं होती, क्या इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते? आज हम लोग चला रहे हैं, 2 लाख से अधिक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं, 2 लाख जोड़ों का, जन सहयोग से और सरकार के सहयोग से। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गो आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है। अकेले प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले वर्ष के अंदर 1,00,000 हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी विष मुक्त खेती में विष से मुक्त खाद्यान्न को पैदा होगा ही होगा। हमारी गौ माता की रक्षा नहीं उसी में गौ माता की रक्षा भी। अब गौ माता की जय बोलने से जय जयकार नहीं होने वाला है, उसके इस आस्था का सम्मान करने के लिए हमें उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उत्तम साधन है, पूरे देश के अंदर हर राज्य में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है कि मैं
प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और साथ साथ मैं आपको बता ही रहा था, आयुष पद्धति को देश के अंदर मिल रहा सम्मान, पहली बार ये हुआ है। योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, यूनानी, सिद्धा, इन सभी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को भारत के अंदर सम्मान मिला है। और इसके लिए आयुष मंत्रालय का गठन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। भाइयों बहनों, ये जो नया भारत है, ये नया भारत अपने ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। ये नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। ये नया भारत तो हम सबको एक ओर माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे निकाल कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम सब जब संस्कारवान होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। पुरुषार्थ, और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में, ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने इस भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है हमारा युवा दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली युवा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।